उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से आया है, जहां एक बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा के साथ तमंचे के बल पर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें पुलिस ने शिकायत मिलने पर तुरंत चारों आरोपियों के विरुद्ध धारा 366, 376 डी, 506, 120 बी और 34 में मुकदमा दर्ज कर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सोमवार को जब पुलिस एक आरोपी को साथ लेकर घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद करने के लिए घटना स्थल पर पहुंची, तो आरोपी ने उसी तमंचे से पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी। गोली लगने से घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। दरअसल पूरा मामला बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र स्थित एक कॉलेज का है, जहां कॉलेज में पढ़ने वाली बीए फर्स्ट ईयर की एक छात्रा का आरोप है कि उसके साथ पढ़ने वाले अश्विनी राठी नाम के एक छात्र ने 28 फरवरी को मैसेज कर उसे नदी वाले मंदिर पर मिलने के लिए बुलाया था, जिस पर छात्रा अश्विनी से मिलने वहां पहुंची तो वो बहाने से उसे खेत में स्थित एक ट्यूबवेल पर ले गया, जहां अश्विनी के तीन दोस्त अंकित, आर्यन और राहुल पहले से ही मौजूद थे। इसके बाद तमंचे के बल पर उसके साथ इन लोगों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम देते हुए उसका अश्लील वीडियो भी बनाया और उसे धमकी दी थी कि अगर इस घटना के बारे में किसी को बताया तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। वहीं घटना के बाद जब पीड़िता अपने घर पहुंची तो उसने आपबीती अपने परिजनों को बताई, जिस पर छात्रा के परिजनों ने थाने पहुंचकर आरोपियों के विरुद्ध लिखित शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत चारों आरोपी अश्विनी राठी, अंकित, राहुल और आर्यन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस घटना के बारे में अधिक जानकारी देते हुए एसपी ग्रामीण आदित्य बंसल ने बताया कि दिनांक 3 मार्च 2024 को थाना बुढ़ाना पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें शिकायत के आधार पर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है, क्या कुछ घटनाक्रम है पूरा? दिनांक 3 मार्च 2024 को थाना बुढ़ाना पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया, अंतर्गत धारा 366, 376 डी, जहां पर वादिया द्वारा शिकायत दी गई कि उनकी बेटी को तीन चार लोगों द्वारा षड्यंत्र बना करके बहला फुसला कर ट्यूबवेल पर ले जा करके उसके साथ रेप किया गया। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार और शासन का जो एक क्लियर बहुत स्पष्ट स्टैंड है कि महिला संबंधी अपराधों में पुलिस द्वारा प्रभावी और तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इसी के अनुपालन के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुलिस टीमों का गठन किया गया। ये सभी अभियुक्त जैसे ही एफआईआर रजिस्टर हुई उसके बाद फरार हो गए थे, इधर उधर भाग गए थे। तुरंत पुलिस टीमों द्वारा एक्शन कर 24 से 30 घंटे के अंदर अंदर चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। वहीं अभी मुठभेड़ में घायल अभियुक्त को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। साथ ही पुलिस का कहना है कि मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है और यदि घटना में और भी लोगों का नाम सामने आता है तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरनगर से अमित कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।